मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं जिम नहीं जाती हूँ, स्टिल क्या मुझे वे प्रोटीन का सप्लीमेंट कंज्यूम करना ज़रूरी है कि नहीं? सो नाउ ये काफ़ी लेजिट क्वेश्चन है एंड हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स चाहे जिसे मैं हैंडल कर रहा हूँ या फिर चाहे केसीआई की जो अलग डाइटिशियंस है अगर वो जिनको हैंडल कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली भी ये क्वेश्चन हमारे पास आता रहता है कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम उतने संलिप्त नहीं हैं, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू लूज द बॉडी फैट विद द हेल्प ऑफ डाइट प्रोटोकॉल। तो क्या यहाँ पे जो सप्लीमेंट है ऑफ द वे प्रोटीन ये लेना ज़रूरी है कि नहीं है? तो नाउ इस चीज़ को हम लोग दो फेज में डिवाइड करने वाले हैं, ओके, कि वे प्रोटीन किन किन को लेना है एंड किन किन को नहीं लेना है एंड फिर बाद में आप उसको अपने हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप लोग मुझसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाइए फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन, बिकॉज ये कंटेंट आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगती है एंड कहा जाए तो हम एक बहुत बड़ी जो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है जो इंग्लिश जानती है, हम उस लैंग्वेज में हमारे वीडियोस को नहीं बनाते हैं एंड वी जस्ट वांट टू कीप इट इन आवर रीजनल लैंग्वेज विच इज़ हिंदी। तो जो हमारी जो केसीआई की जो बहुत बड़ी क्लाइंट बेस है वो इंग्लिश स्पीकर्स है एंड स्टिल हम इंग्लिश में वीडियो नहीं बनाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको चीज़ें नॉर्मल तरीके से समझ में आए। बहुत ज़्यादा मम्बो जम्बो अपने वीडियोज़ में हम नहीं करते हैं, जितना हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो आप बदले में इतना कोऑपरेशन कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि प्रोटीन आखिर है क्या। तो प्रोटीन एक बहुत ही एसेंशियल मैक्रो है, ओके। नाउ जो लोग जिम जा रहे हैं या जिम नहीं जा रहे हैं फ़र्क इससे नहीं पड़ता है, प्रोटीन आपके डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज प्रोटीन आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस करता है, बीट हार्मोन्स, बीट द ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, प्रोटीन उसको बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है, प्रोटीन से ही होता है नेमथलेस। तो अभी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जिम जाते हो कि नहीं जाते हो, प्रोटीन एक काफ़ी एसेंशियल मैक्रो है, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है एंड ये हमें डेली बेसिस पे एक रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमको डेली चाहिए ताकि हमारी बॉडी एफिशिएंट तरीके से काम करे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ इफ हम बात कर रहे हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट कौन लेता है पहले इसको जान लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डाइट से आपके सप्लीमेंट आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर इन दैट केस यू कैन गो फॉर दी वे प्रोटीन सप्लीमेंट, ओके। या फिर जो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं यहाँ वहाँ, वहाँ पे उनको एक एक हेल्दी सोर्स ऑफ ब्रेकफास्ट या लंच के रूप में या किसी भी रूप में वो लोग ना प्रोटीन पाउडर अपने साथ रखते हैं एंड जब भी उनको ऐसा लगता है कि भूख लग रही है या फिर ऐसा कुछ सच, तो फिर वो आराम से शेक करके उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आपकी डाइटरी आपकी जो आप जो फूड्स जो आप खाना जो आप खा रहे हो, तो अगर वहाँ से अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो फिर आप वहाँ पे सप्लीमेंट के लिए जा सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो एंड स्टिल आपको अगर अपनी डाइट पे स्टिक करना है तो फिर उस केस में आप सप्लीमेंट की तरफ देख सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एज आई सेड प्रोटीन एक काफ़ी एसेंशियल मैक्रो है एंड आपको ये डेली बेसिस पे चाहिए। अब आपको वो डाइटरी आपने डाइटरी प्रोटोकॉल से आप उसको पूरी करना चाहते हो या फिर आप सप्लीमेंट की हेल्प लेना चाहते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। क्या आप ले सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एंड स्पेशली बाय द वुमेन और अमंग द वुमेन जो कहती हैं कि मैं तो जिम नहीं जाती हूँ या फिर मैं एक वुमेन हूँ तो क्या मुझे लेना चाहिए। सी, मेन के लिए अलग एंड वुमेन के लिए अलग नहीं है। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो हार्मोनल लेवल पे चीज़ें मोर ऑर लेस सेम है एंड जो अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो मोर ऑर लेस सेम ही है, एक्सेप्ट वन और टू हार्मोन्स। जो मेन होते हैं वो टेस्ट सेंट्रिक होते हैं, जो वुमेन होती है वो इस्ट्रोजन सेंट्रिक होती है, ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत। बट अगर हम बाकी ओवरऑल फिजियोलॉजी की बात करें तो जो प्रोटीन का फंक्शन मेन की बॉडी में है सेम वुमेन की बॉडी में भी है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेन हो कि वुमेन हो, आप कंज्यूम कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो या नहीं करते हो, आप कर सकते हो। कौन कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, जो जिम जो डाइटरी प्रोटोकॉल्स है जिनकी पूरी नहीं हो पा रही है रिक्वायरमेंट, एल्स जो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो लोग। नाउ मेरा एक कंसर्न यहाँ पे, एक बहुत बड़ा कंसर्न मेरा उन लोगों से है जो आपको साइंस के परे समझते हैं, अपने साइंस से परे समझते हैं, बिकॉज साइंस ने ये चीज़ बहुत ही क्लियर की हुई है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट एक बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है एंड इसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है, बीट मैन, वुमेन, किड्स, ओल्ड एज पीपल, एनी ऑफ देम। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को इन सब चीज़ों से काफ़ी परे समझते हैं एंड वो फिर आके लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये नहीं लेना चाहिए या आपको वो नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि
आप अपने ओपिनियंस को फैक्ट्स के साथ मिक्स मत कीजिए। फैक्ट्स आर द फैक्ट्स, जिसको साइंस ने बैक किया है। नाउ मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेब को ऊपर फेंकूंगा तो वो नीचे आएगा। नहीं, मुझे ऐसा लगने से कुछ नहीं होता, ये फैक्ट है कि जब मैं सेब को ऊपर फेंकूंगा वो नीचे आएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ये साइंस है। यहाँ पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते हैं कि मे बी सेब नीचे आएगा, मे बी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। तो वे प्रोटीन से आपको कोई हार्म नहीं है। हाँ, वे प्रोटीन सप्लीमेंट में मे बी कुछ ऐसे एक दो कुछ एडिटिव होते हैं, कुछ यू नो कुछ परमिटेड कलर्स होते हैं, जिसके कारण से किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाए, बट दैट डजंट मेक दी वे प्रोटीन दी अल्टीमेट कल्प्रेट। ऐसा नहीं होता। तो साइंस के हिसाब से वे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा सेफ है, उसको मैन वेमेन कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे जिम जा रहे हो, चाहे जिम नहीं जा रहे हो, एज ऐसे अगर आपके डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट की हेल्प ले सकते हैं, या अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो। यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे आई गेस। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो कहते हैं कि वे प्रोटीन से आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं। आई डोंट थिंक सो, एंड इवन साइंस डोंट थिंक सो। तो प्लीज़ अपने ओपिनियंस को साइंस के साथ मिक्स एंड मैच मत कीजिए। आप सिर्फ वे प्रोटीन ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने डे से दिन से लेकर रात तक में आप कुछ ऐसी चीज़ अगर आप खा रहे हो जिस कारण से आपको कुछ प्रॉब्लम्स बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि वो वे प्रोटीन के कारण हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोग ऐसा होता है। अगर मैं आपके डाइट का असेसमेंट करने के लिए बैठूंगा तो मुझे साफ साफ दिख जाएगा कि आपके डाइट में प्रॉब्लम क्या है, एंड आप ब्लेम डाल रहे हो वे प्रोटीन के सप्लीमेंट को कि मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ जिस कारण से मुझे परेशानी हो रही है, बट दैट इज़ नॉट द केस यूजुअली। तो अपने डाइट को ध्यान से देखिए कि आप दिन भर में क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है किसी डाइटिशियन की सलाह लीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा। बट डोंट ब्लेम ही सप्लीमेंट्स, खासकर वे प्रोटीन। इस पर काफ़ी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, विटामिन सी, ये सब काफ़ी सेफ सब्स में काउंट होते हैं, एंड इसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है। तो एज आई सेड, मैं फिर से बॉटम लाइन में यही ड्रॉ करूंगा कि डोंट मिक्स योर ओपिनियंस विद द फैक्ट्स। इसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है। हैविंग सेड दैट, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों के बीच में, एंड उनको ये बताइए कि क्यों वे प्रोटीन सप्लीमेंट आप कंज्यूम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, सी यू सून।